अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब आप ठीक होंगे, सर्दियां खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे। तो आज मैं अपने आपको अपना प्लांट्स वगैरह दिखा रही हूँ कि सर्दी की वजह से बहुत जो है ना ऐसे ही हुए मैं, तो मैंने कहा चलो आज आपको नए प्लांट्स दिखाऊँ जिनको सर्दी ने मुरझा के रख दिया हुआ है। निकलते भी हैं तो बहुत ये, तो सर्दियां जो है ना इनमें तो सबको ही कर दिए, इतनी इस दफ़ा सर्दी पड़ी है। देखिए हमारा जो लेमन है वही जो है ना जरा बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। तो आज मैं आपको अपने जो पैरट्स दिखाती हूँ। और ये देखें नन्ही मुन्नी सी बच्ची है ना, ये खेल रही है। या हाँ जी टॉफी खा रही हो? तो ये थे हमारे प्लांट्स जिनको सर्दियों ने बस खजां का मौसम किया हुआ है ज़रा। ये जो हमारे अंदर के जो इंडोर प्लांट्स हैं, ये हमारा मनी प्लांट है, कोई बेचारा मुरझाया हुआ है। ये देखें कितना हरा भरा होता था गर्मियों में, तो ये भी ऐसे हुआ हुआ है सर्दी भी ऐसे। सर्दी की वजह से हम लोग जो है ना वो परेशान हैं, लेकिन सर्दियाँ ही इंजॉय करने वाली थी। गर्मियों को कौन इंजॉय करता है? गर्मियों में सिर्फ एसी में बैठ के इंजॉय कर सकता है। तो ये हैं हमारे प्लांट्स। तो ये आज धूप निकली थी तो मैंने कहा चलो, ये तो अंदर ही बंद रहते थे ना, तो वो जैसे बच्चे तंग आ जाते हैं बैठ बैठ के, इसी तरह ये पैरट्स भी हैं वो भी तंग आए हुए थे। तो अब इनको ज़रा धूप निकली है आज, तो मैंने कहा चलो इनको बाहर निकालते हैं, तो ये खुश हैं अब। और ये जो ब्रेड है ना, ये बहुत शौक से खाते हैं। तो ये जो है ना हमारा पैरट, इसको हमने सज़ा के तौर पर छोटे पिंजरे में बंद किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत जो है ना लड़ाइयाँ करता है और दूसरी को मारता है। अब इसको मैंने ब्रेड नहीं दी, इसको ब्रेड बहुत पसंद है, तो अब ये उनकी तरफ देखे जा रहा है और कह रहा है कि मुझे क्यों नहीं दी, वो बस पागल हुआ हुआ है। अब इसको देते हैं, देखिएगा कैसे ये खाता है। इसको निकालने लगी, ये तो शोर में चाह रहा है, जो है ना वो शोर में चाह रही है। ये वाह, ये ब्लू कलर का निकला है, ब्लू और येलो कलर का। अभी काटियां नहीं करने लगा ना, अभी इसकी मम्मा ने इसको ट्रेन नहीं किया। ये देखिए कितना प्यारा, अभी वैसे बाल इसके ऊपर पूरे आएंगे इसकी, अभी तो रुई रुई सी है ना, पूरे इसके बाल पर आ जाएंगे ना, तो फिर ये ना प्यारा लगेगा। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। मैंने इसका बेबी खाया हुआ था ना, तो देखिए इसके जो मम्मा पापा है ना वो बहुत वो हो रहे थे, जी में जा जाके ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया ये बच्चा, ये ले अब देख लो जाके। मैं रख दी है इसको, सैर कराने लेके गई थी, रख दिया अब। ये देखें ये क्या चीज़ है, मैं लॉन्ड्री वाली साइड पे आई तो मैंने ये देखा, तो उस वक्त तो ज़िंदा था, मैंने इसको मार दिया। तो ये मुझे लग रहा है कि लिज़र्ड की किस्म है, स्नेक जैसी है। तो ये हमारे घर से आज निकला है, ये मैंने आपको दिखाना था। किचन में आई हूँ मेरा जो है ना, आज मैंने आलू गोश बनाया, मेरा आलू गोश रेडी है खाने के लिए। तो अब हम ट्राई करते हैं, सब मैं परिंदों को खाना दे आऊँ। मैं ऊपर आ गई हूँ तो मैंने कहा अपने ऊपर वाले परिंदों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। आज सुबह नहीं, सर्दी बहुत ही, इसलिए सुबह नहीं मैंने डाला, अब मैंने डाला है इनको खाना। इधर मैंने बाजरा डाला हुआ, बाजरा थोड़ा सा और डाला, बाजरा डाल रही हूँ। ये जो चिड़िया है ना वो शौक से खाती हैं, बल्कि कबूतर और वो फाख्ता वगैरह जो आती है ना वो शौक से खाती है। और जो ये रोटी है ये
कौवे ज़्यादा शौक से करते हैं। मैं अभी आती हूँ ना छत पे तो नहीं, दूर दूर से कहीं से देख लेते हैं और ऐसे फ़ौरन आते हैं ना और काएँ काएँ करके अपनी पूरी फैमिली को बुला लेते हैं। ये देखिए मैंने अभी डाला है तो ये देखिए शार्क और ये कौवे, ये मैना भी कहते हैं इसको, शार्क भी कहते हैं। खाना खाने आती हैं, ये देखिए अभी देख रही हैं, वो भी जो है ना कैमरे के सामने वो भी पजल हो जाती है। सब सबकी बोलती बंद हो जाती है, इसलिए जो है ना परिंदे हैं वो भी देख रहे हैं कि खाना खाएं कि ना खाएं, शर्मा रहे हैं ना तो देख ना ले। शुक्र है आज ना धूप निकली है, तो काफ़ी सर्दी थी तो धूप ना निकले तो फिर सर्दी और ज़्यादा होती है, फिर अब थोड़ी सी धूप ना सेक ले तो फिर सर्दी में ना धूप सेकना, क्योंकि गर्मी में कौन सेकता है भाई। तो अब मैंने कहा चलो थोड़ी सी धूप भी, पर इनको खाना दे दिया मैंने, अब क्या थोड़ी सी धूप भी इंजॉय कर लिया, सन बाथ ले लिया जाए बल्कि। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब पसंद आया होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।